आमिर खान का मोस्ट पॉपुलर और सक्सेसफुल शो सत्यमेव जयते 1 मई को 1 साल पूरा करने जा रहा है। इस शो ने दर्शकों को खासा प्रभावित किया था। इस शो के जरिए आमिर ने कई सामाजिक मुद्दों पर बातचीत की थी। हमारे पास कुछ नहीं है। ये देखिए, ये बहुत बड़ी सीख है हर माँ बाप के लिए, हर लड़की के लिए आज जो इस वक्त प्रोग्राम देख रहे हैं, कि ग्रीड जो है, लालच जो है, उसका कोई अंत नहीं होता। जब पहली डिमांड आती है कि भाई हमारे लिए ये कर लो, चाहे वो छोटी डिमांड भी हो, उस वक्त हमको लगता है यार ये तो छोटी बात है, हम कर लेंगे, कोई बात नहीं। नहीं, छोटी भी डिमांड आती है तो मतलब वो आपकी इज्जत नहीं कर रहा है, वो आपकी बेटी की इज्जत नहीं कर रहा है, वो सौदा कर रहा है। वहीं पे कैंसिल कर दो और कहो नहीं, शादी हमको करनी है, हमको ये सौदा नहीं करना। इतना ही नहीं, इस शो के हर एपिसोड के लास्ट में मुद्दे से जुड़ा एक गाना भी पेश किया जाता था जो सीधा लोगों के दिलों को छूता था। घर आऊंगी जिसकी फितरत में है रत समाई नहीं, जिसको दौलत से ज्यादा मैं भाई नहीं, ऐसे साजन के मुझको जरूरत नहीं, ना कहने का सुन लो मुहूर्त यही, आगे ले चलूंगी किस्मत आमिर वैसे खुद इस शो से भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, इसलिए आमिर ने तय किया है कि वे शो की सालगिरह को सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन एक नए तरीके से। खबर है कि आमिर इस मौके पर कोई पार्टी करने के बजाय 1 मई को सत्यमेव जयते एनजीओ जाएंगे, जिसके जरिए लगभग 250 लोगों को घरेलू हिंसा और दहेज प्रथा से बचाने की कोशिश की गई है। आमिर ने तय किया है कि वह इस एनजीओ में लोगों से बातचीत करेंगे। वेल, आमिर, आपका ये शो तो जबरदस्त हिट रहा था, लेकिन अब देखना ये है कि इस शो की सालगिरह पर आपका ये प्लान कितना हिट रहता है। शोभित शर्मा के साथ नेहा कटोच, जानो दुनिया। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर थनक से तिरंगी बुनूं, तेरे काज में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना, ओरी चिरैया मेरी चिरैया चिड़ैया, नन्ही सी चिड़िया अंगना में फिर आ जा।